कुशवाहा साहब और राधेश्याम बघेल जी और भांडेर नगर के और जिले के सभी पदाधिकारी का, जनप्रतिनिधि का और इस सभा में मौजूद हमारे सभी नरसंहार हो जाया करते थे, लाइन से खड़े करके
गोलियां मार दी जाया करती थी, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और मुख्यमंत्री अगले महीने की तारीख क्या हो जाए और उसका भी भूमि पूजन उससे शिलान्यास हो जाए, न केवल यहां पानी मिलेगा बल्कि उससे भूमि को भी पानी मिलेगा, भूमि जिले को भी पानी मिलेगा। क्यों कांग्रेस ने सूखे खेतों की प्यास किसानों के लिए बुझाई है? क्या करती रही 50 साल तक कांग्रेस भाई? बजट आपके पास भी था, पैसे आपके पास भी थे, फिर मध्यप्रदेश की सड़कें गड्ढों में तब्दील क्यों हो गई थी? मध्यप्रदेश में बिजली का इंतजाम क्यों नहीं था? मेरे बहनों और भाई, मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार बनाने के बाद इकट्ठे हो रहे हैं कि हम मोदी जी को हटा के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा कहने वाले विपक्षियों से मैं पूछना चाहता हूं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि राजा आपको बताने आए हैं, भाइयों बचाओ ये प्रश्न को समाज के बीच रख रहे हैं, केंद्र सरकार के विरोध में सभी पार्टियां एक होने वाली है, ऐसा आप रोज अखबार विकास के नाम पर जो भी उन्होंने काम किए, हमारी माताएं बहने बैठी है, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक पत्रकार ने पूछा कि आप बताएं कि आपके मन में Thank you.